लोक साहित्य मंच लुधियाना की ओर से हाशिए पर जनतंत्र और मित्र सैन मीत का कथा संसार विषय पर संवाद रचाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री राम शरण जोशी ने की और की नोट विनोद शाही जी ने रखा। विमर्श को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राकेश कुमार के कथा संसार पर विभिन्न दृष्टिकोणों से हमारे सामने नए नए आयाम जो है इनकी कृतियों के खुले हैं। मैं समझता हूं कि जब हम बात करते हैं हाशिए पर जनतंत्र और मित्र सैन मीत के उपन्यास, तो जब हम इनकी कृतियों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार हमारे देश में अंग्रेजों ने आकर हमारी जो पारंपरिक न्याय व्यवस्था थी उसको तोड़ा, वो क्यों तोड़ा, पंचायत व्यवस्था को क्यों खत्म किया गया, क्योंकि उनका जो मूल लक्ष्य था वो ये था कि हमें अपने कानून की धाराओं में बांधना, और वो जो कानून की धाराएं जो थीं वो उपनिवेशों के लिए बनाई हुई थी, उनके अपने लोकतांत्रिक देशों में वो कानून की धाराएं नहीं हैं जो कानून की धाराएं उन्होंने हमारे लिए बनाई, क्योंकि उनका जो मकसद था वो बुनियादी तौर पर ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी न्याय व्यवस्था को स्थापित करना था, एक ऐसे औपनिवेशिक तंत्र को स्थापित करना था जिस औपनिवेशिक तंत्र को के माध्यम से हम पूरी की पूरी इस देश की जनता को किस प्रकार हम नियंत्रित कर सके, इसके बारे में मिशेल फुको जो है अपनी बहुत महत्वपूर्ण किताब है उसके डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, अनुशासित करो और सजा दो का सिद्धांत, यानी किस प्रकार जो सत्ता के ये जो संस्थान हैं ये किस प्रकार चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं और उन संस्थानों को संस्थागत रूप में कानून तंत्र के माध्यम से और इन सारी की सारी कानून की पेचीदगियों के माध्यम से, कानून की धाराओं के माध्यम से किस प्रकार हमारी देह को नियंत्रित किया जाता है। अब जैसे इनके उपन्यास के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो करेक्टर है वो हाकम है, जब वो उसको जेल होती है पत्नी की हत्या के आरोप में, हालांकि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की थी, वो हत्यारा नहीं था, पत्नी ने अपने मध्यवर्गीय रवाबों के कारण या पिता की इच्छाओं के कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन जो हाकम है उसको जेल होती है, जब वो जेल में एंट्री करता है तो उसके थैले में से एक जो है उसका उसका जो दस्तावेज है वो जब्त कर दिए जाते हैं और उसे पूछा जाता है कि ये जो जेल मैनुअल है ये क्या है। अब जो सुधार घर है और सुधार घर में जो जेल मैनुअल है वो बुनियादी तौर पर कैदियों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का एक दस्तावेज है, लेकिन उसके अंदर जो जेल के अंदर जो बैठा हुआ जो मुंशी है वो उसको कहता है कि ये जो जेल मैनुअल अपने साथ तुम लेकर आए हो इसकी तो मैंने पिछले 30 साल से कभी दर्शन तक नहीं किए। तो ये सब चीजें क्या है, यानी हमारी पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर एक सवाल खड़ा करती हैं कि किस प्रकार इस देश में एक अजीबोगरीब किस्म का जो परजीवी वर्ग पैदा हुआ, परजीवी मध्यवर्ग पैदा हुआ। आजादी से पहले हमारे पास इस प्रकार का मध्यवर्ग नहीं था, आजादी से पहले हमारे मध्यवर्ग की एक बहुत बड़ी प्रगतिशील भूमिका थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद इस तरह के जो है संस्थान जो हमें अंग्रेजों ने दिए, जो ढांचा हमें औपनिवेशिक ढांचा जो हमें अंग्रेजों ने दिया, चाहे वो कानून व्यवस्था का था, चाहे वो न्याय व्यवस्था का था और चाहे वो जेलों का प्रबंध सिस्टम था, उस ढांचे को हम लोगों ने उसी तरह से अपना लिया और वो सारे के सारे जो सिद्धांत जो थे हम लोगों ने उसी तरह से उनको लागू करना शुरू कर दिया, और हमारे देश के अंदर एक ऐसा परजीवी वर्ग पैदा हुआ, एक ऐसा परजीवी पैरासाइट क्लास पैदा हुई, जिस पैरासाइट क्लास के सारे जो प्रतीक हैं वो राम राज्य में आप लोगों को दिखाई देंगे, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो पुलिसिये हैं, चाहे वो हवलदार हैं, चाहे वो जेल अधिकारी हैं, चाहे वो जेल का डॉक्टर है जो जैन नामक ठेकेदार को जो उसको जेल होती है उसको तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराता है, उसके लिए विस्की का प्रबंध करता है, उसको खाने पीने का सारा प्रबंध करता है। तो और हाकम जब जो है वो अपना
जेल मैनुअल लेकर उसके अंदर एंटर करता है तो उसको कहते हैं कि ये जो जेल मैनुअल अपने साथ लेकर आया है ये बहुत खतरनाक किस्म की चीज है। और जेल प्रबंध जो है वो उससे सबसे पहले उसका जो है वो जेल मैनुअल जो है वो छीन लेता है। यानी हमारी आजादी के अधिकार के ऊपर जो 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 पहला जो आघात है वो ये है। और आज हम ये चीज महसूस कर रहे हैं कि जनतंत्र के नाम पर आज हमारी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, लेखकों और कलाकारों को किस प्रकार अपमानित किया जा रहा है, इस देश से किस प्रकार कलाकार जो है वो विस्थापित किए जा रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि जनतंत्र सही अर्थों में हम लोगों ने हाशिए पर पहुंचा दिया है। और अगर जनतंत्र हाशिए पर पहुंचेगा तो फिर हमारी समाज की स्थिति जो है वो क्या होगी। तो हाकम जो है वो पूरी की पूरी उस जो जो वो व्यवस्था की जो प्रक्रिया है, दमन की जो टेक्नोलॉजी है, उसके खिलाफ वो लड़ता है। वो कहता है कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरी योग्यता के अनुकूल मुझे जो है वो जेल मिलनी चाहिए। तो पहले ही रात उसको सबक सिखा दिया जाता है, उसको भिखारियों की बैरक में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जेल प्रबंध जो है वो सबसे पहला उसके साथ जो सलूक करता है वो है कि उसकी सारी की सारी उसको बी क्लास जेल नहीं दी जाती, उसके दस्तावेज छीन लिए जाते हैं, उसका जेल मैनुअल छीन लिया जाता है सारे का सारा। और उसको वो रात जो है वो नारकीय रात उसको उन भिखारियों और जेल पत्रों उनकी बैठक में उसको रात काटने के लिए दी जाती है। लेकिन धीरे 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 वो किस प्रकार उस पूरी की पूरी व्यवस्था में काम करता है। जेल प्रबंध जो है वो उससे कानूनी जानकारियां भी लेता है और बहुत जल्दी वो उस जेल व्यवस्था का एक अंग भी बन जाता है। हाकम को उसका एक मित्र ये बात कहता है कि हाकम, इस जेल प्रबंध ने हमें दामादों जैसी सुविधाएं दे रखी हैं, तुम्हें क्या लेना देना, तुम आराम से जेल काटो और आनंद लो। लेकिन हाकम कहते हैं कि नहीं, उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कचोड़ती है और वो उत्पीड़ितों की मुक्ति के लिए, हाशियों की मुक्ति के लिए संघर्ष करता है और पूरी की पूरी जेल व्यवस्था के खिलाफ जो है वो शिकायती पत्र जो है वो लिखता है। लेकिन उसके अंदर एक और चीज है आगे चलकर, उसकी शिकायती पत्र लिखने के बाद जेल का दौरा होता है और जो कुछ भी वो जिन चीजों का बयान उस चिट्ठी में करता है वो सारी चीजें उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस तफ्तीश के दौरान पाई जाती हैं। लेकिन अब हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि वो जो ऑफिसर वहां पर जेल प्रबंध का जो उनका निरीक्षण करने के लिए आता है, उसकी शिकायत करने पर वो किसकी मदद करता है? क्या वो हाकम की मदद करता है? क्या वो वहां पर उत्पीड़ित लोगों की, हाशियेपीड़ित लोगों की मदद करता है? वो वहां उस जेल सुपरिटेंडेंट के साथ बियर पीता है, उसके साथ दारू पीता है और जाते जाते उसको कहता है कि इससे थोड़ा सा बचकर रहना। ये है हमारा पहला साइड क्लास, हमारा नाम मध्य वर्ग, हमारे नाम मध्य वर्ग की नव औपनिवेशिक सोच, जिस नव औपनिवेशिक सोच के ऊपर बार 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 मित्र सैन मीत जो है वो अपने प्रयासों के माध्यम से प्रहार करते हैं और हमारे सामने ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या इसी प्रकार हमारा जो मध्य वर्ग है या हमारा जो नव मध्य वर्ग है वो इसी प्रकार इस नव औपनिवेशवाद का शिकार हो जाए? इस जनतंत्र को हाशिए पर किसने पहुंचाया? सवाल तो ये है, जब हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब हमारे देश का जो मध्य वर्ग है या जब हमारे देश का जो नव मध्य वर्ग है, जब इस प्रकार नव औपनिवेशिक सोच का शिकार हो जाएगा तो फिर इन लोकतंत्र विरोधी शक्तियों के साथ फिर संघर्ष कौन करेगा? फिर हमारे पास रास्ता क्या बचेगा? ये सवाल, ये उपन्यास हमारे सामने ऐसे अनेक सवाल खड़े करता है कि इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है, इसमें बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका है, इसमें एक्टिविस्टों की क्या भूमिका है, इसमें ट्रेड यूनियंस की क्या भूमिका है, इसमें प्रगतिशील संगठनों की क्या भूमिका है? और पूरे के पूरे उपन्यास में मीता की रिहाई के लिए लेखक ने जन संगठनों की ओर भी इशारा किया है, प्रगतिशील मंचों की ओर भी इशारा किया है। और वो तमाम लोग वो कौन है, हाकम कौन है,
उसकी विचारधारा क्या है। अगर हम पूरी के पूरे उस नॉवल को देखें तो उसके अंदर हाकम जो है मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत करैक्टर है जो उस पूरे के पूरे तंत्र के साथ भिड़ता है, लड़ता है, टूटता है बार बार, और उसकी देह को टॉर्चर किया जाता है और उसको शहरी जो है बहुत बड़े बड़े जो है शहरी ढोने का काम लगा दिया जाता है और अंततः वो बिल्कुल उसको बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंचा दिया जाता है। तो ये है व्यवस्था, व्यवस्था तंत्र की भयावहता। तो मैं समझता हूं कि मित्र सैन मीत के ये जो तीनों उपन्यास हैं, ये तीनों उपन्यास सत्ता के जो उत्तर औपनिवेशिक रूप हैं, सत्ता के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों की जो व्यवस्था है कि संस्थान काम कैसे करते हैं, हमारा कानून काम कैसे करता है, वहां पर किस प्रकार दमन की टेक्नोलॉजी काम करती है, और दमन की टेक्नोलॉजी का काम यही है कि हमारी देह को अनुशासित करो और आज्ञाकार देह का निर्माण करो। और जब तक जो हाकम है वो आज्ञाकार देह का प्रतीक बना रहता है तब तक वो सिस्टम में बहुत ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब वो आज्ञाकार देह बनने से इनकार करता है, प्रतिरोध का रास्ता अपनाता है, विरोध का रास्ता अपनाता है और सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए इस प्रकार की तैयारी करता है जिस पूरी की पूरी तैयारी में से लेखक ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की है, या सिस्टम के खिलाफ लड़ने का जो हमें एक रास्ता दिया है वो रास्ता कितना खतरनाक है, वो कितना खूंखार है। इन्होंने सारे उपन्यास को गहराई से पढ़ा, मंथन किया, बहुत सी बातें फोन पर भी होती रही हैं, यहाँ भी हुई हैं। इसीलिए मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये विद्वान लोग हमें राग खाने के लिए होते हैं। जो भी इन्होंने उत्साहित किया है मुझे, वो मुझे और लिखने के लिए प्रेरित करेगा, और जो वर्मा जी ने गाइडलाइंस दिए हैं वो भी एक चैनल बना रहा है मेरे लिए, उससे सीख कर मैं इनसे वादा करता हूँ कि अगली रचना आगे का ही कदम होगी। धन्यवाद।